आज हम सीखने वाले हैं सोराई पेंटिंग, उत्तराखंड का बड़ा ही फेमस है, जिसके लिए हम पोस्टर कलर का यूज करने वाले, सफेद, काला, ब्राउन और येलो का। पॉइंट वाले ब्रश है, पानी लगेगा, वाइट पेन या ब्लैक मार्कर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बड़ा पीकॉक मोर ड्रॉ करने वाले हैं। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं होती, इसलिए बीक छोटी बड़ी हो सकती है, उसकी बॉडी अलग टाइप से ड्रॉ हो सकती है। तो यहाँ पर हमने नेक ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे उसके हम पंख ड्रॉ कर लिए। पंख में हम डिज़ाइन ड्रॉ करने वाले, तो इस टाइप से लंबी सी लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से कर्व करना है, ये वाला डिज़ाइन का पार्ट है। और यहाँ पर हम पैर बनाने वाले हैं। इस कला को ट्राइबल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये आदिवासी कला 5000 साल पुराना इतिहास है। झारखंड के हजारीबाग जिले के पहाड़ी इलाकों में रॉक गुफा के रूप में सोराई और कोहबर कला के प्रमाण मिलते हैं। और ये प्राय गांव के घरों की दीवारों पर बनाई जाने वाली आर्ट फॉर्म है और इसे महिलाएं ड्रॉ करती हैं। इस कला को बनाने के लिए नीम की टहनी और कभी कभी टूटी हुई कंघियों का उपयोग करके बनाया जाता है। इसमें प्राय लाल, काला, सफ़ेद रंग ही यूज़ किया जाता है और यह त्योहारों और दिवाली के अवसर पर बनाई जाने वाली कला है और आज बड़ा ही फेमस फॉर्म बन चुका है। यहाँ पे हम इस टाइप से पत्तियाँ ड्रा करेंगे, अलंकारिक टाइप से ड्रॉ करना है, ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे एक फूल ड्रॉ करते हैं, उसकी पंखुड़ियाँ ड्रॉ करने का है, पूरा का पूरा ड्राइंग लाइट लाइट ड्रॉ करना है। ऊपर में एक पेड़ की टहनी ड्रॉ करते हैं जिसके ऊपर एक सांप है, ऐसा दिखाने वाले, मोर उसको देख रहा है। यहाँ से कर्व करना है और इस टाइप से लीव ड्रॉ करना है। पंछी, पेड़, जानवर, सांप, ऐसे आजू बाजू में निसर्ग में जो रहते हैं वो सारी चीजें चित्रण के रूप में की जाती है इस आर्ट कला में। तो यहाँ पे हमने एक सांप बना रहे हैं, टहनी का पार्ट रब करना है और जो सांप है वो पेड़ से लिपटा हुआ है। इस पेंटिंग को हम हैंडमेड शीट के ऊपर बना रहे हैं, वाटर कलर वाला चित्रपट का। आउटलाइन पूरा हो जाने के बाद हम कलर से ही डिज़ाइन बनाने वाले हैं, इसलिए अभी पूरा पूरा डिटेल नहीं करते, बेसिक फॉर्म हम ड्रॉ कर लेते हैं जो जो हमें ड्रॉ करना है इस ड्रॉइंग के अंदर। सांप की आंख बना लेंगे और उसकी जीभ ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे लीफ दोबारा बना लेंगे। इस कॉर्नर में भी एक फ्लावर्स ड्रॉ कर लेते हैं, लीफ इस टाइप से ड्रॉ करना है। अब ये हमारा पेंटिंग रेडी हो जाएगा। ये रेडी हो जाने के बाद ये पोस्टर कलर हमने निकाल लिया। तो येलो ऑकर ब्राउन शेड है, ब्लैक शेड है। कलर्स के अंदर दो चार ड्रॉप पानी डालना है, थोड़ा सा पतला करना है, बहुत गाढ़ा भी नहीं और बहुत पतला भी कलर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम येलो ऑकर शेड लेते हैं और अल्टरनेट कलर करते चलेंगे, जैसे एक भाग में पूरा येलो ऑकर भर देंगे और दूसरे भाग में ब्राउन शेड। और पॉइंट वाले ब्रश का यूज़ करना है, बड़े काम के लिए बड़े नंबर का ब्रश, छोटे काम के लिए छोटे नंबर के ब्रश का, और पॉइंट से काम करना है, बहुत प्रेशर से कलर नहीं करना है। अल्टरनेट कलर करना है, इसलिए हमने पूरा पहले येलो ऑकर भर लेते हैं और जो ब्लैंक जगह छूटी है वहाँ पर हम ब्राउन कलर करने वाले हैं। इस आर्ट फॉर्म में जो कलर यूज़ किए जाते थे वो प्राकृतिक कलर ही हुआ करते थे, जैसे लाल मिट्टी का कलर, काली मिट्टी का कलर, सफ़ेद मिट्टी का कलर, इनसे कलर करके पेंटिंग बनाई जाती थी। ओरिजिनल में जब ये पेंटिंग बनाई जाती थी तब नीम की टहनी, कभी कभी टूटी हुई कंघियों का उपयोग करके बनाया जाता था। गाँव की घरों की दीवारों पर गोबर या सफ़ेद मिट्टी से पहले लिपा जाता था और फिर सफ़ेद मिट्टी से ही उस पर आउटलाइन बनाई जाती थी ड्राइंग बनाने के लिए। ड्राइंग बनाने के बाद फिर इसमें कलर भरे जाते थे, तो कलर में ब्लैक कलर का यूज़, वाइट कलर का यूज़ ज़्यादा हुआ करता था। अब यहाँ पर हम मार्कर पेन,
जो हमारे पास है उसका भी यूज़ कर सकते हैं आउटलाइन करने के लिए, नहीं तो पूरा का पूरा ड्राइंग हम ब्लैक पोस्टर कलर से ही आउटलाइन करेंगे। इस टाइप से हमें पोस्टर कलर से ही आउटलाइन करना है ब्रश का यूज़ करते हुए। अच्छी तरह से आउटलाइन हो जाने के बाद हम वाइट पोस्टर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो वाइट पेन जो हमारे पास पेन अवेलेबल रहेगा उसका भी यूज़ करके डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये पूरा हमारा हो गया है। इस टाइप से हम सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाते चलेंगे ब्रश से, और ये ब्लैक से हो जाने के बाद इसके ऊपर हम वाइट का यूज़ करने वाले हैं, वाइट कलर या वाइट पेन या इस टाइप से। ये जो लीफ में हम लाइन कर रहे हैं ये अपोजिट लाइन होती है लीफ में, इस टाइप से लाइंस ड्रॉ करना है। तो जो ब्राउन है उसके ऊपर वाइट कलर से कर सकते हैं, और जो येलो आकर है उसमें हम ब्लैक या फिर ब्राउन कलर से भी आउटलाइन कर सकते हैं। इस टाइप से लाइन हो जाने के बाद यहाँ पे उसके गले के ऊपर भी हम वाइट से आउटलाइन कर लेंगे, ऐसे डैश 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 करते हुए पैर के ऊपर भी। इजी पेंटिंग है, इजी ट्यूटोरियल है। आपको सोराई पेंटिंग कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आने वाले नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।